जहाँ दोस्तों भारत का ये T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच था। और दोस्तों इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों उनका ये फैसला काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में भारत के सभी गेंदबाजों ने आयरलैंड की पूरी कमर तोड़ दी। जहाँ दोस्तों इस मैच में केवल 7 रन के स्कोर पर ही अर्शदीप सिंह ने पॉलिश ट्रिलिंग आउट कर दिया था और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसी ओवर में उन्होंने एंड्रू ब्लबरीन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 5 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों इसके बाद तो आयरलैंड के बाद एक विकेट गिरते गए, क्योंकि 28 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने लॉर्कन ट्रैक्टर को आउट करा और वो 10 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हेनरी ट्रैक्नर को आउट कर दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। और इसके बाद 44 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने क्रिटिस चैम्पर को आउट कर दिया और वो 12 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने जॉर्ज ड्रॉकरेल को आउट कर दिया था और दोस्तों विकेटों का गिरने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन दोस्तों आखिरी में आकर डेनली ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करी और 14 गेंदों में 26 रन बना दिए थे। लेकिन दोस्तों आखिरी में वो 16वें ओवर में रन आउट हो बैठे और इस तरह दोस्तों आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और केवल 16 ओवरों में ही 96 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में भारत की गेंदबाजी काफी कमाल की रही, तो दोस्तों इस मैच में भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने अपने 4 ओवरों में केवल 27 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। तो इस मैच में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को भी 2-2 विकेट हाथ लगी थी। लेकिन इस मैच में बुमराह काफी किफायती रहे थे, उन्होंने अपने 3 ओवरों में केवल 6 ही रन दिए थे। तो इनके अलावा मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को भी 1-1 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत को अपना वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीतने के लिए केवल 97 रन बनाने थे। और जब इसके बाद भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली टारगेट का पीछा करने उतरे, तो फिर इस मैच में भारत की शुरुआत तो काफी शानदार रही थी। लेकिन 22 रन के स्कोर पर विराट कोहली आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में मार्क एथर की गेंद पर आउट हो बैठे और वो 1 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत उतरे और दोस्तों इसके बाद पंत ने कप्तान रोहित का पूरा साथ दिया। लेकिन दोस्तों इस मैच में रोहित पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों उनके बल्ले से इस मैच में एक के बाद एक चौके छक्के निकल रहे थे। लेकिन दोस्तों ये मैदान काफी ज्यादा स्लो था, जहां इस मैच पे कोई भी बड़ा शॉट खेल रहे थे तो वो गेंद वहीं रुक जा रही थी। और दोस्तों ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक था। और इसी बीच रोहित शर्मा ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वो घायल हो गए थे और इस वजह से वो अपने आप से रिटायर्ड हार्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। उन्होंने 37 गेंदों में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से 52 रन बनाए थे। तो उनके आउट होने के बाद सूर्या इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन दोस्तों 91 रन के स्कोर पर वो केवल 2 रन बनाकर आउट हो बैठे। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर इस मैच में भारतीय टीम को 8 विकेटों से बड़ी जीत दिलवा दी। और दोस्तों ऋषभ पंत इस मैच में 26 गेंदों में 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और भारत की टीम ने ये मुकाबला काफी आराम से जीत लिया। लेकिन दोस्तों ये पिच काफी ज्यादा खतरनाक थी, इस पिच पर सारी गेंदें टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी और कई बार तो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के शरीर पर लगी।